हेलो गाइस, ये देखिए अभी मैं फिर अपार्टमेंट से बाहर आ चुका हूँ। अभी मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे। पहला दिन तो मेरा वैसे ही चला गया, दूसरा दिन बहुत अच्छा गया। मैं आपको बताया, मैं फेरी के थ्रू बट्टा भी गया, इंडोनेशिया भी गया। वो मैंने आपको मेरी एक वीडियो बनाई है, वो मैं जब डालूँगा आप देख सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ सिंगापुर को एक्सप्लोर करने, क्योंकि सिंगापुर में मैंने अभी तक कुछ भी डे टाइम में एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने, देखना। अभी हम लिफ्ट में हैं, देखिए अभी मैं जा रहा हूँ। अभी इसके बाद फिर देखते हैं, फिर अभी मैं मैरीना बे सैंड जाऊँगा। पहले मेरा स्टेशन है मैरीना बे सैंड, उसके बाद मैं जाऊँगा हाजी लेन, फिर वापसी पे मैं जाऊँगा चाइना टाउन, और उसके बाद लिटिल इंडिया एजेंसी। अगर ये मैं चारों चीज़ें एक दिन में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, दैट वुड बी बेटर। लेट्स सी। आज मैं पहले मैरीना बे सैंड पे जा रहा हूँ, वहाँ के आसपास दो तीन और ऑप्शन है, उसके बाद मैं हाजी लेन के लिए रवाना होगा। मेरे पास ये मैप है, मेट्रो का मैप, ठीक है। ये आपको मेट्रो स्टेशन पे मिल जाएगा ये मैप, जिससे आपको पता लगेगा आपने कौन सी लाइन पे जाना है। अभी मैं अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे गर्मी है, टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मली 28-30 के आसपास रहता है, पर यहाँ पे आज हवा भी बहुत अच्छी चलती है। और यहाँ पे अगर बात करें टाइम की, सिंगापुर इंडिया से 2.5 घंटे आगे है, सिंगापुर इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये देखिए मैं जहाँ पे हूँ, ये मेरे पीछे ये जगह है, इसको भी ये भी बहुत अच्छी जगह है। मुझे नहीं पता क्या है, बट इसको कल मैं देखूँगा भी क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है ये सब। ट्रैफिक रूल बहुत फॉलो किया जाता है, पर लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने रशिया में देखा था, यूरोप में देखा था, कि वहाँ पे जब गाड़ी आ रही है तो पैदल वालों के लिए गाड़ी रोक देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई रोकता नहीं है। यहाँ पे मतलब कि अगर आप ज़ेब्रा लाइन पे क्रॉस कर रहे हैं वो तो फिर लाइट वाला हो जाता है, पर लेकिन अगर आप बीच में से कुछ क्रॉस कर रहे हैं कोई ऐसी जगह पर, यहाँ पर लाइटिंग नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए रोकेंगे। बहुत कम होता है ऐसा यहाँ पर। कुछ सेकंड के लिए मैं लेट हो गया यहाँ पे, जैसे कि देखिए पहले यहाँ पे ग्रीन हो गया था, तो अभी मैं कुछ लेट हो चुका हूँ। तो अभी उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पास में ही है। चलिए क्रॉस कर लेते हैं। अब ग्रीन लाइट तो हुई नहीं थी वैसे, लेकिन एक लड़की क्रॉस कर रही थी यहाँ पे, वो तो मैंने सोचा मैं भी क्रॉस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्रीन लाइट है, देखिए जब पैदल वालों के लिए यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाती है। Thank you.
सिंगापुर की बसेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बसेस है यहाँ पे। मतलब कि डबल टेकर, मोस्टली यहाँ पे डबल टेकर आपको तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, दिखती हैं यहाँ पे। लेकिन इंडिया में तो जैसे बहुत ही कम होती हैं ये मेट। बेसिकली इंडिया में डबल टेकर शायद दिल्ली और चंडीगढ़ में तो एक दो ही है, दिल्ली और मुंबई से यहाँ भी होती है, पर लेकिन यहाँ पे डबल टेकर बस बहुत होती है। डबल टेकर बस वो होती है जो नीचे और ऊपर दोनों जगह मतलब कि आप बैठ सकते हैं। यहाँ की छत पे भी दो इनके दो फ्लोर बने होते हैं। मैं स्टेशन यहाँ से पास ही है, चलिए मैं वहाँ भी आपको स्टेशन पहुँच के बात करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊँगा मेट्रो स्टेशन से फिर मैं कैसे अपने जो मैप के हिसाब से, मुझे ये मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपने मैरीना बे सैंड जाने के लिए कौन सी लाइन लेनी है, उसके बाद फिर मैं वहाँ पहुँच के आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया, मैं पहले मैरीना बे सैंड जा रहा था, पर लेकिन पता लगा रास्ते में पहले चाइना टाउन है, पहले क्यों ना चाइना टाउन को एक्सप्लोर कर लिया जाए। सो नाउ आई एम इन द चाइना टाउन, सो लेट्स एक्सप्लोर द चाइना टाउन फर्स्ट। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है चाइना टाउन यार, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक यहाँ पे सब कुछ वो सामान है जो आपको जरूरत चाहिए। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो पीसेस मतलब $5 के हैं, दैट इज वेरी चीप, बट I don't think so. Do you have some plain also? Plain? Yeah, without print. Without print? The plain one, huh? Yeah. No, we don't have. We don't have plain. We don't have plain dessert in this street. चाइना टाउन में है अभी हम, दैट इज़ ए वेरी बहुत ही अच्छी यार, बहुत ही अच्छी मार्केट है दिखने में वाकई यार। अभी तक जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी अगर मार्केट अभी मैंने देखी है तो चाइना टाउन है, दैट इज़ ए वेरी गुड मार्केट, बहुत ही कुछ है यहाँ पे आई थिंक एक्सप्लोर करने को। अभी शॉप्स अभी ओपन हो रही है क्योंकि मॉर्निंग है अभी अभी यहाँ पे, मेरे को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर क्राउड शाम को ज़्यादा होता होगा। वेरी यहाँ पे मुझे सुना है कि यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है, पर लेकिन ये मेरे ख्याल से सारा चाइना से ही एक्सपोर्ट होता होगा यहाँ पे चाइना का, क्योंकि सिंगापुर एक चाइना का ही एक तरह से यहाँ पे मोस्टली चाइनीज़ ही रखते हैं, पर ये अपने कुछ चाइना से अलग ही मानते हैं। मैंने सुना है कि कोई कह रहा था कि ये लोग चाइना से नफरत ही करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे शाम को आने का ज़्यादा फ़ायदा है, दिन को यहाँ पे इतना ज़्यादा अभी शॉप्स ओपन नहीं है, यहाँ पे
अभी इतनी भीड़ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे शाम को मैं एक बार शायद दोबारा आऊँ अपने फ्रेंड उसी फ्रेंड के साथ अगर प्लान बना तो, अदरवाइज लेट्स सी। अभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चाइना टाउन में तो मंदिर भी है, यहाँ पे देखते हैं। ये लगता है मुझे कोई हिंदू मंदिर है, लग तो ऐसी रहा है। यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पे वेडिंग हॉल भी बना हुआ है, यानी कि जो हिंदू लोग हैं यहाँ पे जो मंदिर में मतलब यहाँ रहते हैं हिंदू लोग वो यहीं पे शादी करते हैं, और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी इसी के आसपास एक सामने वेडिंग हॉल बना हुआ है तो उसी में सेलिब्रेशन भी हो जाता है पार्टी। सो लेट्स सी। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं,